बच्चे हो रहे हैं और नगर पालिका का ऐसा लग रहा है कि सुरंग में कोई शासन ही नहीं है। विधायक की मिली भगत से सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सब बैठे हुए हैं, ना कोई देखता, ना कोई कुछ कर रहा, ना कुछ हो रहा। सिरोही तो 30 साल से गड्ढे में पटक रखा है रजनीकांत मकान ने, बामनबाद ने। सिरोही नगर पालिका द्वारा रोडों के नवीन निर्माण एवं गड्ढों में फिलिंग कार्य में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। क्या इंजीनियर विनोद कुशवाहा की मिलीभगत से हो रहा काम सिरोही नगर पालिका द्वारा जो रोडों की फिलिंग की जा रही है वे घटिया तरीके से हो रही है। वहीं कुछ रोडों का निर्माण किया जा रहा है, रोड में लगाया जाने वाला माल घटिया स्थिति में पाया गया। इंजीनियर विनोद कुशवाहा ने TS की कॉपी देने से किया इनकार। लगभग 1 महीने से रोड का रास्ता है बंद, क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। मेन बाजार में की गई फिलिंग 8 दिन में वापस दिखने लगे गड्ढे। वहीं लिंग रोड पर किए गए चौड़ीकरण की कोबरा सामग्री लाखों रुपये में ठेकेदार ने वितरित कर दी, लेकिन जुर्माना सिर्फ 13,000 लगाया गया। समाज सेवी व्यापारी रहवासी एवं आम जनता में आक्रोश, देखें ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट। द्वारा इसके अंदर मिला के रख दी गई है, हम देख रहे हैं चूड़ी है, इस चूड़ी में गिट्टी मिला के रख दी गई है। ये व्यवस्थित यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है यहाँ के जो इंजीनियर है विनोद कुशवाहा वो जांच करने शायद नहीं आते, जिसकी वजह से ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। विनोद कुशवाहा से भी हमने इसकी TS की कॉपी मांगी थी, स्वयं हमने नगर पालिका में जाके जो हमारे CMO हैं उनके ऑफिस में जाके विनोद कुशवाहा मिल गए थे, TS की कॉपी मांगी थी, उन्होंने TS की कॉपी नहीं दी। इस तरह से भ्रष्टाचार की शुरुआत इस रोड से की जा चुकी है और आगे हम आपको और दिखाएंगे, आगे जाके हम देखेंगे यहाँ के रहवासियों से मालूम करेंगे कि कितना समय हो गया इस रोड पे मट्टी डाले हुए और रोड का काम अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ। हम यहाँ पर मौजूद है वार्ड नंबर 16 से और 13 के बीच में ये रोड डल रहा है हाई स्कूल से और रोड पर चुराहे तक का। लगभग 2 साल पहले, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया, ये रोड का यहाँ पर गिट्टी और मुरम से व्यवस्थित रोड हो गया था, लेकिन अभी नगर पालिका द्वारा जिस भी ठेकेदार को ठेका दिया हो उसने इस पे एक हल्की फुल्की मट्टी डाल रखी है और उसके बाद गिट्टियों की यहाँ ट्रालियाँ लगभग लाइन से लगी हुई हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र के रहवासी भी हम इनसे मालूम करना चाहेंगे रहवासियों से कि कितना समय हो गया लगभग इससे गिट्टी उठे हुए यहाँ पर क्या परेशानी आ रही है मेन रास्ता है समझा, जो कम से कम 1 महीना गिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर, जहाँ से वहाँ घूम के हिट रहा उधर से भानी नहीं जा पा रही है, तो गाड़ियाँ जो है पानी गिर गया तो स्लिप मार रही है मोटरसाइकिल। एक महीना हुआ साहब अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ पर गिट्टी डाल दी और कीचड़ हो रही है पूरे, वहाँ से भागना पा रहा है, घूम कर आना पड़ता है, लंबा टाउन देना पड़ता है। यहाँ कोई आपको इंजीनियर वगैरह या कोई आते कभी दिखे इस काम वाम कराने के लिए? अभी तो गिट्टी अकेली दिख रही है बच्चों को। अच्छा, अब हम आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, यह मिल गए यहाँ पर। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे ये एक रोड डल रहा है, इसको शायद होता है आपने कभी पहले देखा हो, और 2 साल पहले इस रोड का शुरुआत हुई थी मुरम वगैरह इस पर डाली हुई थी, लेकिन अभी दोबारा ठेकेदार ने काम चालू करा है, मट्टी हमने देखी उसको डल गई, रहवासी परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यह जो क्षेत्र है ये काफ़ी व्यस्ततम क्षेत्र है, यहाँ पर हाई स्कूल बहुत पुराना मौजूद है, जहाँ दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको यहाँ आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर इस मोहल्ले के निवासियों को भी जब टोलपुरा या आरोन रोड जाना पड़ता है तो इसी रास्ते का इस्तेमाल होता है। इस रोड को बनाने की मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, अब जैसे ही इस रोड का काम शुरू हुआ तो यहाँ पर इन्होंने ठेकेदार ने गिट्टी पटक दी और गुणवत्ताविहीन मटेरियल इसमें डाल दिया। आगे भी हम रोड को देख के आए, मेरे पास रहवासी शिकायतें भी आ रही हैं कि इस रोड में मिट्टी मिलाई जाएगी, और मैं डेफिनेटली 100% कहता हूँ कि ये रोड जब भी पूरा होगा, वैसे तो पूरे होने के मुझे अभी कोई चांस लग नहीं रहा है, जब भी पूरा होगा तो पूरी तरह से डैमेज होगा, इसमें खड्डे होंगे, क्योंकि इसमें गुणवत्ताविहीन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह से दोषी है कि क्यों आकर इस रोड की छानबीन नहीं करती, जांच नहीं करती। यहाँ के इंजीनियर है, SDM है, अधिकारी है, नगरपालिका CEO है, यहाँ की जांच करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोड अगर घटिया स्तर का बनता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है प्रशासन की होगी। अच्छा, ये नगरपालिका इंजीनियर है विनोद कुशवाहा जी, हमने उनसे TS की कॉपी मांगी थी रोड की, उन्होंने वो इतना इनकार कर दिया, क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये तो सीधा सीधा खेल है, यहाँ सब साठगांठ का मामला है। यह नगरपालिका में कोई ना तो कोई परमानेंट अधिकारी है, ना कोई परमानेंट अध्यक्ष है, प्रभारी CMO और प्रभारी अध्यक्ष के भरोसे नगरपालिका चल रही है, और हमारे विधायक महोदय या तो बहुत भोले वाले हैं या फिर उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं साठगांठ है। ये भारी भरकम भ्रष्टाचार का मामला है। यहाँ आइए, कितना समय हो गया इतने ये गिट्टी वगैरह डली हुई है, माल डला हुआ है? इसे कम से कम महीना हो चुका है साहब, 1 महीना हो चुका है इसको।
अच्छा कितना, या भी इससे पहले इस पर वो थी मुरम वगैरह लगी हुई थी? इससे पहले डली थी साहब, 15 दिन महीना भर पहले डली थी, इसके बाद फिर नहीं डली। ये मट्टी डाल दी के ऊपर से? ये मट्टी डाल देते हैं ऐसे ही, और 15 साल में अब बन गया साहब, ये 15 साल से बना नहीं है रोड। तो अभी ये जो डाली है गिट्टी, इसके बाद यहाँ पर कोई जांच करने इंजीनियर वगैरह आए क्या नगर पालिका? आए थे ना। अच्छा तो कितना टाइम हो गया है? हुए हो गया कम से कम 10-12 दिन। उसके बाद कोई ठिकाना नहीं हुआ यहाँ पर? कोई नहीं आया। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कहना है कि यहाँ पर 10-12 दिन पहले देखने आए थे, देख के चले गए, लेकिन उसके बाद किसी का आना नहीं हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिट्टी है या लोड़ा है। इसको आप देख सकते हैं, ये गिट्टी इस तरह की बात होती है क्या? अंदर इसकी चूड़ी डली हुई है। रोड डालने से पहले भ्रष्टाचार उजागर होता दिख रहा है, रोड डलने के बाद क्या होगा इसका, ये आप सब यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है रेवासी भी मौजूद हैं, हमारे आसपास सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये पुलिस बार बार शिकायत कर रहा है इनकी एक शिकायत के ऊपर यहाँ पर हमें आना हुआ, क्योंकि बार बार इन्हें परेशानी आ रही है। पास में एक रोड डला हुआ है जो ख़राब है, वहाँ से गाड़ियाँ गिर जाती हैं जाके, बता रहे थे अभी। और ये रोड भी अगर डलेगा तो कहीं ना कहीं इस रोड व्यवस्थित रोड नहीं हो सकता। यहाँ पर हम पहाड़दार चीज़ें फिर पूछे जाएंगे क्या ये गिट्टी है। देखिए यहाँ पर क्या है, हर चीज़ डालना था इनको, कोपरा डालना था, मुरम डालना था, ये तो बड़े बड़े पत्थर और चूड़ी को मिक्स कर दिया। ठेकेदार अपना पैसा बचाना चाह रहा है, और वो पैसा कहीं ना कहीं कमीशन के रूप में यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के विधायक महोदय को पहुँचेगा। अच्छा ये इंजीनियर जांच करने नहीं करता क्या यहाँ पर? जब CMO की सेटिंग है, ठेकेदार की सेटिंग है, तो इंजीनियर क्यों सेट नहीं होगा वो? तो यहाँ पर साफ कहना है, आरोप लगा रहे हैं कि इंजीनियर की सेटिंग ठेकेदार से हो, इसलिए वो क्यों आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। ये है आप हम देख सकते हैं, ये गिट्टी नहीं, ये रोड़ा है, और ये गिट्टी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है सरौंज का मेन बाजार, नगर पालिका द्वारा यहाँ फिलिंग कराई जा रही है। इधर तो हम आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले डामीकरण किया गया था, लेकिन जामा मस्जिद से लेकर वो ये सहायता बाजार था, एक रोड छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये रोड कह रहे थे सीमेंटेड होगा, 8 बजे का रोड होगा, लेकिन फिर भी 1 साल होने वाली है, अभी तक इस पर नहीं हुआ कुछ। तो अभी नगर पालिका ने एक स्कीम के तहत यहाँ पर फिलिंग का काम चालू करा था, तो आप देख सकते हैं फिलिंग भी क्या खूब हुई है, गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के जो सराफा बाजार के व्यापारी हैं, लोगों का सबका कहना है कि नगर पालिका ने सिर्फ भरपाई करी है, ठेकेदार अपना काम करके निकल गए, इंजीनियर यहाँ पर देखने आए या नहीं आए ये सवाल बाद बनता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सराफा बाजार में रहने वाले अमित व्यापारी, अमित मालूम करना चाहेंगे नगर पालिका द्वारा ये गड्ढे भरवाए गए, आप कहा संतुष्ट हैं? ये साहब तो गति अवरोधक इनने बनाए, गवर्नमेंट को लगा दिया, ये सारे उखड़ गए, जो और जो अभी CP डाला था नगर पालिका ने, एक बार CP डाला है तो वो 8 दिन में साफ हो गया, पूरा पूरे बाजार में गड्ढे हो रहे हैं, और नगर पालिका का ऐसा लग रहा है कि सुरंग में कोई शासन ही नहीं है, विधायक की मिली भगत से सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सब बैठे हुए हैं, ना कोई देखता, ना कोई कुछ कर रहा, ना कुछ हो रहा। सुरंग तो 30 साल से गड्ढे में पटक रखा है रजनीकांत मकान में, और इसके बाद सुरंग तो भव्य अंधकार में है, और दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह की मिली भगत से पूरा सिरोंज की सेटिंग होती है टिकट की, और उन्हीं के उसमें चल रहा है आज तक। तो सिरोंज की जनता, सिरोंज क्षेत्र की जनता प्योर बिल्कुल जो है निकम्मी होकर और नकारा साबित हो रही है इन लोगों के, कभी हिंदू मुस्लिम बात, कभी कोई बात, कभी पैसे लेकर विधायक को भगा दिया, और जो कैंडिडेट खड़ा होता है नगर पालिका में देखो तो यहाँ सही बात अपलेबाजी ये सब चल रहा है। सिरोंज ये सब मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन चल रहा है, भ्रष्टाचार शासन पूरे भारत में कहीं नहीं चल रहा। तो ये भाई व्यापम घोटाला, हजारों आदमियों को मरवा दिया व्यापम शिवराज सिंह ने, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ आज तक, ना व्यापम का हुआ, ना डम्पर कांड का हुआ, ना ये सिरोंज में 6,000 शादियों के पैसे निकाल लिए गुलाब से, जो है करोड़ों रुपये का चूना लगा दिया सिरोंज में, जब करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है, 5 पैसे की जब्ती आज तक नहीं हुई उसमें कर्मचारी से, उसके बाद जो है कि आज तक पूरे मध्य प्रदेश में कितना हुआ होगा इसमें। वो जो आपने घोटाला की बात की वो तो माननीय विधायक जी ने जाकर उठाया विधानसभा में जनपद घोटाला, एक तो ये किसने किया ये घोटाला, उसका पैसा कहाँ गया, आज तक पैसा क्यों नहीं पकड़ा गया उसका, जब करोड़ों रुपया उसने भ्रष्टाचार किया जिस कर्मचारी ने, भाई किसी ने उठाया, किसी ने किया, विधायक को नहीं मिला तो उन्हें उठा दिया, अब कोई अकेला खा गया उनका आदमी था तो गोपाल भार्गव का, अब इसमें वो तो सब भाजपा 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 चल रही पूरे मध्य प्रदेश में 30 साल से, और
पूरे मध्य प्रदेश को गड्ढे में ले जाकर पकड़ दिया शिवराज सिंह और पृथ्वी सिंह ने, दोनों ने मिली भगत में। अच्छा, जब से नगर पालिका बनी है बार बार भूमि पूजन भी होते हैं और लगातार काम भी हो रहा है, इस बात सहमत है आप, हो रहा है काम? अरे हर साल यही होता है कि नगर पालिका के चुनाव आते हैं, जब जो है कि निर्माण कार्य के शिलान्यास हो जाते हैं, पीछे फरक जाते हैं तो वो वहीं पड़े रह जाते हैं। आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, बस तीन शेड लग लग के और पूरे उखड़ के चल जाए। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार अग्रवाल। अशोक कुमार अग्रवाल जी यहाँ मौजूद थे, व्यापारी हैं शराब बाजार में, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो उन्होंने आरोप लगा कि दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह दोनों की मिली भगत से यहाँ का टिकट होता है और कभी कभी कैंडिडेट को भी खरीद लिया जाता है, तो जिससे कि हमारा द्रोण लटे बिगड़ा बिगड़ रहा है। वहीं आरोप लगाया कि ये सब नाम के लिए सीधी रोड डाला गया था, जो भरपाई करी गई थी इसका कोई फायदा नहीं हो पाया, ये पैसे निकाल के भ्रष्टाचार कर दिया गया, और भी कई आरोप लगाए गए इनके द्वारा। दो महीने में सब उखड़ के फिर से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये शहर का मुख्य बाजार है, यहाँ पर पूरे शहर के लोगों का आना जाना है और यहाँ के व्यापार के माध्यम से वो अपने सामान लेके जाते हैं, और इतने तमाम गड्ढे हैं, ये सभी व्यापारी दुकानों के सामने हैं, इनके सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग आते जाते हैं। अब सालों भर से जो रोड बनता है तो उसके बाद तुरंत गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे होते हैं तो नगर पालिका वाले जब उनकी नाक कटती है तो उन गड्ढों की खाना पूर्ति के लिए गड्ढे भर देते हैं, लेकिन देखा गया है कि गड्ढे भरते से ही गड्ढे उखड़ने लगे, फिर क्या मतलब है इन गड्ढे भरवानों का? हमारा तो ये कहना है कि इन गड्ढे भरने में भी बहुत बड़ी सांठगांठ है नगर पालिका की, और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस मामले में अगर हमारे सुरेंद्र के भाजपा विधायक गंभीर नहीं है तो इनको इस चुनाव में इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढे उनकी जान ले लेंगे। अच्छा, नगर पालिका सीओओ का कहना है कि कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है और कई फिलिंग काम कर रहा है, फिर हमें देखने में तो नहीं मिल पाया, वो आपको कहीं मिला क्या देखने? देखिए, नगर पालिका सीओओ यहाँ प्रभारी सीओओ नहीं है, जैसे कैसे नगर पालिका अध्यक्ष है प्रभारी है मान के चलिए आप, ना तो परमानेंट सीओओ है ना परमानेंट अध्यक्ष है, सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा है, या तो इन लोगों की साठगांठ हमारे विधायक जी उमाकांत शर्मा जी से है, या फिर ये लोग विधायक उमाकांत शर्मा जी को पागल बना रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिकारी तत्काल संज्ञान लें, इन गड्ढों की जो घटिया मरम्मत करी गई उनको तो दोबारा सही करा जाए। शहर के अंदर रोडों की हालत बहुत ख़राब है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? समय समय पर नगर पालिका द्वारा जो नगरीय क्षेत्र में रोड है उनका फिलिंग का काम किया जाता है, लेकिन सर कई जगह देखने में आ रहा है फिलिंग का काम हो रहा है लेकिन जो गड्ढे भरे जा रहे हैं वो व्यवस्थित नहीं भरे जा रहे हैं। व्यवस्थित हमारा प्रयास है व्यवस्थित भरना है, लेकिन जैसे ही हमारा भरना शुरू होता है हम आपके माध्यम से भी नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि वो हमें इस काम में सहयोग करें और कम से कम 3 से 4 दिन उस रास्ते को छोड़ दें। अच्छा सर, इंजीनियर का काम होता है चेक करना, लेकिन आपके इंजीनियर का दिखाई नहीं देते कभी, ना उसको जाँच करते, नगर पालिका का पैसा लग जाता है, बिल पास हो जाते हैं, ठेकेदार पैसे ले जाते हैं। नहीं, हमारे इंजीनियर समय समय पर चेक करते हैं, और विगत दिनों 15 से 20 दिन पहले जो रात्रि में गड्ढे भरे थे नगर पालिका द्वारा मेन मार्केट में, मेरे पास फोटो है, वीडियो है, वो रात में 11, 11, 12, 12, 1, 1 बजे तक। अच्छा, अभी आपके इंजीनियर यहाँ बैठे थे विनोद कुशवा जी, मैंने उनसे एक रोड की TS का भी मांगी थी, उन्होंने मुझसे सही बात नहीं करी सर, आम नागरिक से कैसे संतुष्टि होगी? सबसे सही बात करते हैं। अभी सर मैंने आपके सामने मांगी थी लेकिन उन्होंने क्या है सही जवाब नहीं दिया मुझे, नहीं लग रहा होगा आपको, वैसे EMD काम कर रहे हैं। अच्छा, एक रोड जो नगर पालिका द्वारा बहुत पहले आधा बना दिया गया था मुरम और सब, उस पर व्यवस्थित कर दी गई थी, सिर्फ डामरीकरण रह गया था, अभी हमने देखा एक दो महीने पहले, ये रोड है सर वार्ड नंबर 16 में है, ये कटला हाई स्कूल के पास से रोड पर तक का, सर उस रोड पे अभी हमने देखा मट्टी डाल दी गई ऊपर, तो कुछ दिन तक पड़ा रही, फिर गिट्टी डाली गई, गिट्टी भी जो व्यवस्थित नहीं थी सर, जाँच करा अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो सुधार किया जाएगा, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई। अच्छा सर, एक चीज़ हो रही है, जो आपके द्वारा सभागार में माल इकट्ठा करा गया था, अभी हमने वहाँ जाके देखा, वहाँ पास में एक प्लाट है, वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में वो माल पड़ा हुआ अंदर चले गया, ये सर सभागार में से उठा के प्लाट वाले ने भर लिया अंदाजन, या फिर अगर ठेकेदार के माध्यम से ठेकेदार ने डाला है तो बाकायदा हमने इसको नोटिस दिया, अभी भी कटौतरा किया जाए। ठीक है, इनकी बात जाए लग रहा है, लेकिन समय हमारे पास कम है, आगे और फिर बात होगी आपसे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन डेल्टा पान।